मुक्ति के लिए समय बंधन नहीं है, यही जानेंगे इसका मतलब क्या है, मुक्ति के लिए समय बंधन नहीं है। तो नमस्ते, जैसे आप मुझे जानते हैं मैं पवन यादव हूँ। तो जैसे काफ़ी लोग कहते हैं या आप शास्त्रों में पढ़ लेते हैं या टीवी में पढ़ लेते हैं कि कलयुग में मुक्ति नहीं हो सकती, कलयुग में परम गति प्राप्त नहीं हो सकती, ये बिल्कुल झूठ है। आपने काफ़ी शास्त्र पढ़ लिए हैं और वे शास्त्र ही बाधा दे रहे हैं। शास्त्रों में लिख दिया है सतयुग आएगा या द्वापर युग आएगा या अच्छा युग आएगा तो ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र आपके दिमाग में गलत बात डाल दी है कि हमें सतयुग आने तक हमें मुक्ति का इंतज़ार करना पड़ेगा तभी मुक्ति प्राप्त हो पाएगी। शास्त्र के बंधन में मुक्ति नहीं है, शास्त्र जो कह देंगे वही होगा क्या, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मुक्ति एक ऐसी ज्ञान है या एक ऐसा अनुभव है जो कि समय के बंधन से परे है, जिसके ऊपर समय का असर नहीं होता है। मुक्ति कलयुग में भी हो सकती है, सतयुग में भी हो सकती है और द्वापर में भी हो सकती है, किसी युग में भी मुक्ति हो सकती है और यहाँ बैठे बैठे भी हो सकती है। समय के बंधन से परे है मुक्ति। आप ये सोच रहे हैं कि मुक्ति सुबह के टाइम पे हो सकती है, मुक्ति शाम के टाइम पे हो सकती है, मुक्ति सतयुग में होगी, द्वापर युग में आसानी से मुक्ति होगी। नहीं, मुक्ति के लिए कोई समय बंधन नहीं है। शास्त्रों ने आपके दिमाग में कचरा घुसेड़ दिया है जिसकी वजह से आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा कि मुक्ति जो होगी सतयुग में होगी। तो सतयुग तक आप जन्म ही लेते रहेंगे क्योंकि आपके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि सतयुग के बिना मुक्ति नहीं होगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है सतयुग का। शास्त्रों में आपके दिमाग में बात डाल दी है या किसी ब्राह्मण ने या फिर किसी शास्त्र को जानने वाले या गीता को पढ़ने वाले या किसी पुराण को पढ़ने वाले, उपनिषदों को पढ़ने वाले आदमियों ने आपके दिमाग में ये बात गलत डाल दी है। आपको इतना लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मुक्ति यहाँ बैठे बैठे भी हो सकती है, बिल्कुल यहाँ बैठे बैठे और इसी समय। ये गुरु की महानता है कि वो कहीं पे भी और किसी युग में भी, चाहे वो कलयुग है, चाहे वो द्वापर युग है, चाहे वो सुबह है, चाहे वो शाम है, चाहे रात के 12 बजे, चाहे सुबह के 4 बजे, वो किसी भी टाइम अपने शिष्य को मुक्ति दे सकते हैं। ऐसे ही गुरु पूर्णता को प्राप्त होते हैं, ऐसे गुरु महान होते हैं। गुरु के सामने समय नहीं चलता, युग नहीं चलते, किसी भी समय वो मुक्ति को दे सकते हैं। तो आपके जो विचार हैं कि कलयुग में मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, सतयुग तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, वे विचार ही मुक्ति प्राप्ति करने में बाधक हैं। आपने जो विचार पैदा कर लिए हैं या आपके दिमाग में किसी ने डाल दिए हैं, वे मुक्ति प्राप्त करने के लिए बाधा पैदा करेंगे, समस्या पैदा करेंगे और मुक्ति प्राप्त करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगा देंगे। तो आपके शास्त्र और आपके जो विचार हैं कि सतयुग में या कोई अच्छा समय आता है तभी मुक्ति प्राप्त होगी, तब तक वेट करो, नहीं, गुरु के लिए कोई समय बंधन नहीं होता और मुक्ति के लिए कोई समय बंधन नहीं होता। किसी भी समय मुक्ति प्राप्त हो सकती है या गुरु किसी भी समय मुक्ति दे सकते हैं। आप खेत में काम कर रहे हैं तो गुरु की महानता है, वहीं पे आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, आपको मुक्ति दे सकते हैं। आप सो रहे हैं, सोती हुई अवस्था में भी आपको मुक्ति दे सकते हैं। आप चांद पे गए हुए हैं, वो चांद पे भी उनकी महानता इतनी है, उतनी है कि वो चांद पे भी आपको मुक्ति दे सकते हैं, वहाँ चांद पे बैठे हुए भी। समय और स्थान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कि ये ना सोचें कि गुरु सतयुग आएगा तब मुक्ति देंगे, वो गुरु की मौज है, वो गुरु की शक्ति है, वो गुरु की महानता है कि वो किसी समय भी किसी क्षण भी और कहीं बैठे हुए, आप पहाड़ में बैठे हुए हैं वहाँ पे भी आपको मुक्ति दे सकते हैं, आप खेत में बैठे हुए एक पेड़ के नीचे वहाँ पे भी आपको मुक्ति दे सकता है और इसी क्षण भी मुक्ति दे सकता है।
भले ही कितना घोर कलयुग हो, भले ही दुनिया में कितना ही उपद्रव चल रहा हो, दुनिया में कितना ही लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, चाहे आपके घर परिवार में क्यों ना कितनी ही लड़ाई झगड़े क्यों ना चल रहा हो, समय उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। किसी भी समय आपको मुक्ति दे सकते हैं। तो आज हमने ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश की कि समय आने पर ही मुक्ति प्राप्त होगी, या कोई अच्छा समय आएगा, सतयुग आएगा या द्वापर आएगा तभी हमें मुक्ति प्राप्त होगी, कलयुग में हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो ये आपके विचार बिल्कुल बाधक हैं। इन विचारों को त्याग दीजिए कि हमें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसी जन्म में अभी बिल्कुल इसी क्षण हो सकती है। तो मुक्ति जिसे ज्ञान कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसको प्रकट होने के लिए कोई समय बंधन नहीं है। परमात्मा समय के बंधनों से परे हैं। ज्ञान के ऊपर समय का असर नहीं होता है, ज्ञान शुद्धतम है और समय से परे है। समय का मतलब काल से परे है, काल का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो यही समझाने की कोशिश की, आपको शायद समझ में आ गई होगी। जो मुक्ति पाने के लिए जो आपका एक विचार चल रहा था, दिमाग में कचरा चल रहा था कि मुक्ति किसी अच्छे समय आने पे होगी, सतयुग में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। खेत में बैठे बैठे हो सकती है, ड्यूटी की कुर्सी पे बैठे बैठे हो सकती है, आप खाना बना रहे हैं उस टाइम पे हो सकती है, आप पेड़ के नीचे बैठे उस टाइम हो सकती है। ये गुरु की महानता होती है, ये परमात्मा की महानता है, ये उनकी मौज है, ये उनकी शक्ति है। तो आपको परमात्मा को भी समय के बंधन में बांध रहे हैं क्या? गुरु को भी समय के बंधन में बांध रहे हैं कि गुरु सतयुग आएगा तभी मदद कर पाएंगे और गुरु भी तभी मुक्ति दे पाएगा। गुरु महान होते हैं, महानों से महान होते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी डायमेंशन में, किसी भी लोक में, और कहीं पे भी मुक्ति दे सकते हैं। ये उनकी महानता है, ये उनकी मौज है, तभी वो गुरु हैं और एक आम आदमी है। गुरु में और एक आम आदमी में यही फ़र्क होता है, सतगुरु में और एक आम गुरु में यही डिफरेंस होता है, यही फ़र्क होता है। तो आपके जो विचार हैं उनको त्याग दीजिए, जो विचार गलत ही हैं, ये विचार ही मुक्ति प्राप्ति में बाधक हैं। आपके विचारों पे डाउट पैदा कीजिए, आप अपने विचारों पे तो डाउट पैदा करते नहीं हैं, अपनी सोच पे तो डाउट पैदा करते नहीं हैं, संदेह करते नहीं हैं। गुरु पे संदेह कर रहे हैं, परमात्मा पे संदेह कर रहे हैं, आप सब पे संदेह कर लेते हो, लेकिन अपने आप पे कभी संदेह नहीं करते, अपने विचारों पे संदेह नहीं करते कि ये विचार सही है या नहीं है। आपके दिमाग आपको झूठ बोल रहा है, आपके विचार निश्चय ही गलत हैं। तो अपने विचारों पे डाउट कीजिए, वो कभी ठीक नहीं हो सकते। तो गुरु हमेशा ही ठीक होते हैं, परमात्मा हमेशा ही ठीक होते हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। तो धन्यवाद आज के लिए, ये जानने के लिए कि मुक्ति किसी भी टाइम प्राप्त हो सकती है, सतयुग तक या कोई अच्छे समय तक आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद आज के लिए, काफ़ी हो गया। शुद्धतम विचार पे फिर बात करेंगे और कल किसी दूसरे कचरे को दिमाग से निकालने के लिए फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।